हबू का किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फिश करी। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आधा किलो फिश, स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दो छोटे चम्मच ऑयल डालकर सारे मसाले को फिश पर अच्छे से लगाकर आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। पेस्ट बनाने के लिए एक छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच राई को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जीरा और राई को ड्राई रोस्ट करने के बाद एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे। चार बड़े चम्मच फ्रेश कोकोनट, एक छोटा चम्मच हल्दी, दो छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और दो मीडियम साइज की प्याज, दो बड़े चम्मच पानी ऐड करके इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को रेडी करने के बाद फिश फ्राई करेंगे। एक पैन में दो बड़े चम्मच ऑयल लेंगे, फिश ऐड करके फ्राई करेंगे। एक साइड हमें 5 मिनट तक फ्राई करनी है। एक साइड 5 मिनट फ्राई हो जाने के बाद हम उसे टर्न करके दूसरी साइड भी 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। दूसरी साइड फ्राई हो जाने के बाद इसे डिश आउट करेंगे। फिश फ्राई हो जाने के बाद ग्रेवी रेडी करते हैं। चार बड़े चम्मच ऑयल, दो छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके 1 मिनट तक इसे फ्राई करना है। एक मिनट फ्राई करने के बाद हमने जो पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। पेस्ट को 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे और इसे ड्राई कर लेंगे। पेस्ट को ड्राई कर लेने के बाद 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे बॉईल करेंगे। बॉईल हो जाने के बाद इसमें फिश ऐड करेंगे। फिश ऐड करने के बाद 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे।
देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और फिश भी अच्छे से कुक हो गई है। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे गर्मा गर्म राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फिश करी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।